más por timing. कॉलेज जा रही, तेरा भी एडमिशन कराना है क्या? I'm not interested यार, घर चला जा घर। तो मित्रों, आज के व्लॉग का आपको जरा मैं विवरण दे दूं। बात ऐसी है कि हमारे कॉलेज की एक स्कीम आई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि सभी विद्यार्थियों को स्मार्टफोन्स मिलेंगे, जिसकी KYC मेरी हो नहीं पा रही है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो पा रही है। अब सीन ये है कि हमको कॉलेज वालों ने बोला कि तुम्हें जो परेशानी आए हम देख लेंगे। हम किस लिए बैठे हैं? तुम्हारी परेशानियाँ हल करने के लिए बैठे हैं, तो कॉलेज आ जाओ, सोल्यूशन हम दे देते हैं। अब चल के देखते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या बढ़ाएंगे। ओके, सो दिस इज़ नॉट रैपिडो। ये हमारे कॉलेज के मित्र हैं जो कि सेम प्रॉब्लम के लिए कॉलेज जा रहा है। तो हमने कहा, भैया अगर आप जा ही रहे हो तो मेरे 25 रुपये बच जाएंगे, आप हमें बागपत से पिक कर लेना। तो अभी हम लोग निकलते हैं कॉलेज की तरफ। सर से जो सर की वो धीरे धीरे, स्मार्टफोन दे रहा तो ठीक है, नहीं दे रहा तो हम घर गुजार रहे हैं। आपसे वैसे भी उम्मीद कम है हमें। हाँ, और क्या है, स्मार्टफोन से ना तो कॉलिंग होगी ना कुछ होगा। क्यों नहीं होगी? सरकार का वो वॉलपेपर लगा हुआ होगा उस पे, तो क्या हो गया? वो हटेगा ही नहीं, वो तो लॉक रहती है उसकी स्क्रीन, तो क्या करना है? उसमें पढ़ाई होगी बस। अरे सब कुछ हो जाता है, तो क्या हैक करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताया ना, ग्रेजुएशन में मिला हुआ है मुझे, पर हमें मिले या नहीं मिले पता नहीं। हमारे सर ऊपर पहुंच गए, मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे मेरा। अरे ये सब चेंज कर देंगे, हमें छोड़ो। अभी हां, सर के साथ चल रहा है भाई, कोड का और के साथ इवन था। ये दोनों को एक साथ नहीं लेंगे, कुछ अलग हो रहा है एक साथ भाई। एडमिशन के टाइम पे कोई दिक्कत हो हम बैठे हैं, ये हमारे टीचर्स कहते थे। एडमिशन के बाद अब दिक्कत हो रही है तो कह रहे हैं तुम्हारी दिक्कत है, हमारी दिक्कत थोड़ी ना आई है। बस यही दिक्कत है इंडिया के कॉलेजों की। सरस्वती जी के विद्या मंदिर नहीं है ये लक्ष्मी जी के मंदिर है। कोई भी इंसान अपने कॉलेज से खुश नहीं है, मैंने देखा है। मतलब एक है मेरे जानकार, वो संतोष मेडिकल में पढ़ता है, वो अपने मेडिकल कॉलेज की इतनी बुराइयां करते हैं जबकि वो फीस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज है, वो रेगुलर जाते हैं वहाँ पे, और वो इसकी इतनी करते कि भाई उसमें ये फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है, जबकि उनके में गरबा नाइट होती है, डांडिया कंपटीशन होता है, सारी एक्टिविटी होती है। हमारे यहाँ क्या होता है, आओ शक्ल दिखाओ और जाओ। हाँ, अब भी कोई सेटिस्फाइड आंसर दिया नहीं है इन्होंने। फीस भरने बैठा है जो इंसान, वो भी अपनी अलग अखड़ में है। जब मैं एडमिशन कराने आई थी, यही भैया थे जो मेरे को ये कह रहे थे, मैंने इसी कॉलेज से पास आउट किया है और आप ना मेरे से ये कोर्स की लिस्ट ये ले जाओ। मुझे लगा कितने अच्छे लोग हैं, कोर्स की लिस्ट खुद लिख के दे रहे हैं। पवन सर ने लिख के दी, कह रहे बेटा ये किताबें पढ़ना तुम पास हो जाओगी। मैंने कहा सर पास नहीं हुई। सर कह रहे बेटा तुम्हारी गलती है। और पापा ने कही आईडी कार्ड कब तक भाई साहब, सितंबर के आखिर में लिख के ले लो, मिल जाएगा। लिख के ले लिया, कागज ही फाड़ दिया इन्होंने। फर्जीवाड़ा ही करेंगे और क्या है, और क्या, नहीं फर्जीवाड़ा ही करना पड़ेगा फिर क्या करेंगे। जुगाड़ पे चल रहा है पूरा देश, हम भी चलेंगे जुगाड़ पे। हैं खत्म बात, खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं वो। आप पार्टी दे दो, मांगा भैया हमने दे रहे हैं। यार 15 मिनट के करीब हो गए हैं पर बस नहीं आ रही है। मतलब दूसरी साइड से तो बस जा रही हैं बट अपनी साइड से आ नहीं रही हैं, और हम लोग आए भी हैं ना तो हमें कोई बस दिखी नहीं है। व्लॉग का अंत में यही करती हूँ क्योंकि भाई मेरे मूड तो ऑफ हो गया था बिल्कुल ही। मतलब कॉलेज वालों ने जो दिमाग की दही करी है ना। चलो कोई बात नहीं, मिलती हूँ आपसे एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए एक काम करो बस, प्लीज यार थोड़ा सा प्यार बरसाओ यार, बहुत टाइम हो गया। हम सपोर्ट के भूखे, लाइक के भूखे, कमेंट करने के भूखे, सब्सक्राइब करने के भूखे, शेयर करो, शेयरन के भूखे, करवाओ और बताओ उनको।
के बिना गालियों के भी व्लॉग चैनल चल सकता है, हंसी आ सकती है। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो क्या कर रहे हो जिंदगी में, फटाफट जाओ हमारे चल बे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। चल खत्म।